भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को तीसरी बार राष्ट्रीय महासचिव और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं डिंडोरी जिले से पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुर्वे भी सचिव पद पर बरकरार हैं। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों की पॉलिटिकल विंग की कमान सौंपी थी। अब उनको फिर नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देकर संगठन में उनकी पूछ परख कम होने की अटकलों को भी विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि विजयवर्गीय को चुनावी मैनेजमेंट का माहिर माना जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में उनकी गहरी पकड़ है।